हेलो फ्रेंड्स, कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली और दिखने में वो थोड़ी सी डल लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो? तो उसने कहा, नहीं तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो थकान सी रहती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, किसी भी चीज़ पे मन नहीं लगता और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से एनर्जी नहीं है। और ये सारे सिम्टम्स इशारा करते हैं लो लेवल्स ऑफ डोपामाइन। यस, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनको बिना किसी काम के थकान रहती है, आलस रहता है, लो एनर्जी लेवल फील करते हैं, किसी भी काम को करने का मोटिवेशन नहीं होता, मन नहीं करता, अंदर से खुश नहीं फील करते। क्या आप भी कभी ऐसा फील करते हैं? तो जान लीजिए कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हैं लो लेवल्स ऑफ डोपामाइन। यस, और परेशानी ये है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपने डोपामाइन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है डोपामाइन। फ्रेंड्स, हम सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी सारी बॉडी फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे नर्वस सिस्टम और स्पेशली हम बात करें तो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। और हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सेल्स। हमारे कोई भी दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं रहते फिजिकली, उनमें एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। और इन साइनेप्स से जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन होनी होती है, तो इस साइनेप्स से गुजरती है। और इस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो इम्पॉर्टेंट ब्रेन केमिकल्स पार्ट लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलके भी परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक है डोपामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। और वैसे तो डोपामाइन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जानना ये है कि ये फील गुड हार्मोन है, ये हमारी प्लेजर मूड स्टेट, हैप्पी मूड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली डोपामाइन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को मेंटेन करता है। तो जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट लेवल ऑफ डोपामाइन होता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, अलर्ट फील करते हैं, अराउज्ड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, आपको बस अच्छा लग रहा होता है। एंड इसके अलावा डोपामाइन हमारी लर्निंग और मेमोरी फंक्शंस में भी एक्टिव रोल प्ले करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये हमारी स्लीप को भी रेगुलेट करता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात जानना है कि डोपामाइन हमें एडिक्टेड बनाता है। और जब बॉडी में डोपामाइन लेवल कम हो जाता है तो पर्सन थका थका सा रहता है, बुझा बुझा सा रहता है, उसको किसी काम को करने का मन नहीं करता, लो एनर्जी लेवल फील करता है, लो मोटिवेटेड फील करता है। और अगर डोपामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो ये कुछ बीमारियाँ जैसे डिप्रेशन या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें पर्सन का जो रात में लेग होता है वो बहुत ज़्यादा मूव करता रहता है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते, या फिर एक और डिज़ीज़ होती है पार्किंसन डिज़ीज़, उस कंडीशन में भी लो लेवल्स ऑफ डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें पर्सन का जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं या जो बॉडी कंट्रोल होता है वो पुअर हो जाता है। सो इस तरह से डोपामाइन बहुत सारे फंक्शंस में एक्टिव रोल प्ले करता है और बॉडी में उसका एक सफिशिएंट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हम नेचुरली अपनी बॉडी में डोपामाइन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और हमेशा एक ही चीज़ पूछते हैं कि जो कुछ भी है उसके लिए दवाई बता दो। फ्रेंड्स, हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो डोपामाइन है या और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सब हमारी बॉडी में नेचुरली सीक्रेट होते हैं और इन्हें नेचुरली ही सीक्रेट होने देना चाहिए। अगर हम मेडिसिन से इनके लेवल्स को अप करने की कोशिश करेंगे या कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स जो मार्केट में क्लेम करते हैं, तो ये एक अननेचुरल वे होगा जो कि अनहेल्दी होता है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को अपना काम खुद करने दें। तो चलिए अब बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी पे नेचुरली डोपामाइन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमें डोपामाइन मिलता रहता है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है, जिसको आप इंजॉय करते हैं,
तो यहाँ एक सवाल है कि कौन सी एक्टिविटी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है। किसी को खेलने में मज़ा आता है, किसी को पढ़ने में, और ज़्यादातर लोगों को मोबाइल्स में, सोशल मीडिया पर या मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, पार्टीज़ करने में मज़ा आता है। तो यस, आप जिस भी एक्टिविटी को इंजॉय करते हैं, जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपके लिए डोपामिन सीक्रेट करती है। और इसीलिए जब भी आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हैं तो आपके माइंड में एक मैसेज आता है, आई फील गुड एंड आई वॉन्ट मोर, और फिर आप वो काम दोबारा करते हैं। क्योंकि जो भी प्लेजर होता है वो हमारे अंदर एक डिज़ायर डेवलप करता है कि जिस भी काम से हमको अच्छा लगा है हम उसे एक बार और करें, फिर से एक बार और करें, फिर से एक बार और करें। छोटे बच्चे की तरह हम उसे बार बार करना चाहते हैं, जिससे भी हमें खुशी मिलती है, एंड दिस लीड्स टू एडिक्शन। यस, तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने लेवल्स ऑफ डोपामिन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नंबर वन इज़ हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें मैग्नीशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो हमारी डोपामिन लेवल को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हैं। तो उसके लिए हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स या वो सारे फूड आइटम्स जिनमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, आप देखना चाहें तो आप उसको कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट नंबर है एक्सरसाइजेस। यस, एक्सरसाइजेस यानी कि फिजिकली एक्टिव रहना। आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे आपको डोपामिन मिलता है। आप चाहे साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, योगा या मेडिटेशन करते हैं या मसाज करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज से आपको डोपामिन सीक्रेट होता है। एंड नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी स्लीप। यस, जब आप भरपूर नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, ये भी आपके डोपामिन लेवल को इंक्रीज करता है। सो स्लीप इज अगेन अ वेरी गुड फैक्टर जब हम बात करते हैं हेल्थ की, एंड जो हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग है ब्रेन एंड पूरी बॉडी, उसके लिए हमें अनफ स्लीप, साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप पेट्स के साथ खेलते हैं या किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तब भी आपकी डोपामिन इंक्रीज होता है। एंड इसके अलावा जब आप नेचर के करीब रहते हैं, यानी कि आप किसी नेचुरल जगह पे हैं, पार्क में हैं, गार्डन में हैं, और आप वहाँ वॉक करते हैं, ये भी आपके डोपामिन लेवल को इंक्रीज करता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक, या किसी के लिए रीडिंग बुक्स भी बहुत इंजॉयबल एक्टिविटी होती है, या फिर शॉपिंग। और इसके अलावा अगर बात करें, जैसे आप जब फेवरेट अपना फूड इंजॉय करते हैं तो भी आपको डोपामिन मिलता है। एंड इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे आप डोपामिन इंक्रीज कर सकते हैं, वो है टास्क अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं, आप नोटिस करिए जब भी आपने कोई काम पूरा किया, उस पूरा करने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है, ऐसा नहीं लगता जैसे आपको कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, आपको ऐसा लगता है जैसे आप विनर हैं। यस, अगर आप इस एक सीक्रेट को समझ जाते हैं कि जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं तो हमें डोपामीन मिलता है, तो आप अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ईजी बना सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है काम का, उनको लगता है बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, यानी काम को टालते रहते हैं, और टालने की वजह से उनके काम पेंडिंग रहते हैं, और पेंडेंसी की वजह से उनकी क्या होता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। क्योंकि अगर आप अपने कामों को समय से पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जबकि जब आप अपने कामों को पूरा करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है अंदर से, आप रिवॉर्डेड फील करते हैं, आप विनर जैसा फील करते हैं, और इसको आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं उनको बहुत, जो बड़े काम हैं या जो भी काम है, आप पहले तो उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और अगर कोई बहुत लंबा काम है, बड़ा काम है, तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप अपने कामों को निपटाते चले जाते हैं, काम को पूरा करते चले जाते हैं, आपके अंदर डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है, ये आपको मोटिवेट करता है आगे के कामों को पूरा करने के लिए। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ डोपामिन। एंड लेट मी टेल यू, डोपामिन की कहानी बहुत लंबी है। ये एक ऐसा ब्रेन केमिकल है जो हमें विनर भी बना सकता है और एडिक्टेड भी। जी हाँ, अगर आप डोपामिन को सही से हैंडल करते हैं, हेल्दी वे से उसको इंक्रीज करते हैं, तो आप विनर होते हैं। और अगर आप अनहेल्दी तरीक़ों से अपनी डोपामिन लेवल को इंक्रीज करते हैं तो आप बन जाते हैं उसके गुलाम। जी हाँ, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से लोग डोपामिन के चक्कर में एडिक्टेड हो जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं।
So wait for the next video. Till then, goodbye. Thanks for your time and keep watching.